नमस्कार दोस्तों, एज ए ट्रेडर्स की लर्न एंड अर्न वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि जैसे मेरे 1000 व्यूअर्स कम्प्लीट हो जाएंगे, जैसे कि मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं 4 महीने में, उन पूरे वीडियो को मिला के 1008 बार सबने देखा है, तो उसकी खुशी में मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको एक सेटअप दिखाने वाला हूं जिसका 80-90% सक्सेस रेशियो है। तो उसकी वजह से मैं आज आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो भी 1000 व्यूअर्स है वो 10000 हो जाएगा, और ये 300 सब्सक्राइब है उसका हमारा गोल है एक साल में 1000 सब्सक्राइब करने का, वो भी आपकी मेहरबानी से अचीव हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका प्यार आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आइए देखते हैं पहला सेटअप हमारा स्टॉक के लिए। इसके लिए मैं पहले सबसे फ्रेंड्स नोट पेपर में आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो सेटअप है वो कैसे, कब और कैसे काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, मैं ये सेटअप आपको दिखा रहा हूँ, ये 15 मिनट का सेटअप है जो स्टॉक में चलेगा फ्रेंड्स। ओके, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, 50 मिनट का सेटअप है जो स्टॉक के लिए है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेरा हैंड राइटिंग पूरा वीक है तो आप समझ जाइएगा, 50 मिनट में स्टॉक के लिए है, और ये फ्रेंड्स इंट्राडे में आपका काम लगेगा। सबको पता रहेगा कि इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में फास्ट टाइम कुछ इनकम कमाना चाहते हो, जो स्टॉक मार्केट में नए हो या बहुत सालों से पुराना हो, उसके लिए भी ये वीडियो काम लगेगा। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, ये जो मैं आपको सेटअप दिखा रहा हूँ वो एक्टिव कब होगा, वो सुबह में 10:30 के बाद ये सेटअप हमारा एक्टिव होगा। ओके फ्रेंड्स, 10:30 के बाद फ्रेंड्स, ये इस सेटअप में आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिसका प्राइस मिनिमम 500 रुपीज़ हो, 500 रुपीज़ प्लस जिसका प्राइस रहेगा, ऐसे स्टॉक हमें ढूंढ के निकालना है हमारी वॉच लिस्ट में। और दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि इसका टारगेट रहेगा फ्रेंड्स 1% से लेके 2% हमें प्रॉफिट मिल सकता है, जो मैं आपको सेटअप अभी दिखाने वाला हूँ उसका। ओके, तो आइए देखते हैं वो सेटअप क्या है, वो मैं आपको अभी दिखा लेता हूँ। इसको मैं निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक की पहली 15 मिनट की कैंडल, ओके समझ लो 15 मिनट की कैंडल एक बनती है, उसके अंदर मिनिमम 3-4 कैंडल हमें बननी चाहिए। ये एक हो गई, ये दो हो गई, ये तीन हो गई, ये फोर हो गई, मिनिमम 4-5 कैंडल के बाद हमारा ये सेटअप एक्टिव होगा। पहली कैंडल 15 मिनट की बनी, सेकंड बनी, थर्ड बनी, फोर्थ बनी और फिफ्थ बनी, और उसके बाद की कैंडल जो बनेगी समझ लो इसका हाल हाई रहेगा। ये हाई है और ये हमारा लो है, इसके अंदर 4 कैंडल बननी चाहिए, समझ लो इसका हाई मैं पकड़ के चलता हूँ फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपीज़, और इसका लो में पकड़ के चल रहा हूँ फ्रेंड्स 1180 रुपीज़। ये अप्रोक्सीमेटली है फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही फिगर आए जब आप इस स्टॉक पे सेटअप पे काम करो। ये एक आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है, 1200 अप साइड में और 1180 डाउन के साइड में। अगर उसके बाद की कैंडल यानी फर्स्ट कैंडल ये हो गई हमारी 15 मिनट की कैंडल है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 50 मिनट की कैंडल है, सॉरी 50 मिनट की कैंडल है, 9:15 बजे हमारा मार्केट ओपन होता है, और ये 9:30 बजे तक ये
फर्स्ट कैंडल बनेगी हमारी 50 मिनट की, उसी कैंडल के अंदर लगातार 3 से 4 कैंडल मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें मिनिमम 4 कैंडल इसके अंदर क्लोज होनी चाहिए। ये जो 15 मिनट की कैंडल है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर ऐसे, और उसके बाद 4 कैंडल के बाद यानी तकरीबन 10:30 बजे के बाद जो कैंडल बनेगी, ये इस कैंडल को हाई जो ये हमारा हमने ड्रॉ किया है उस हाई को ये ब्रेक करेगा ऐसे। तो आप इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बाय कर सकते हो। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस और ये हो गया हमारा ब्रेक लाइन, यानी हमारा ये सेटअप एक्टिव हो गया समझो। ये सेटअप पे हमें काम करना है। इसके लिए आपको दिन में क्या करना पड़ेगा, जैसे ही 10:15 बजते हैं आपको 15 महीने की चार्ट में ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो 15 महीने की पहली कैंडल बनाते हैं और उसके बाद इसमें 3 से 4 कैंडल उसके अंदर बनाई हो, समझ गए। और बाद में 10:30 बजे आपको ऐसे स्टॉक, उसी स्टॉक में से आपको ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जिसका हाई और लो ये जो फर्स्ट कैंडल है उसने ब्रेक करेगा या किया हो, समझो कि ये ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, तो तुरंत आपको इसी इसकी अगली कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें इंट्राडे में आप बाय कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, समझ गए। तो ये हमारा पहला सेटअप है फ्रेंड्स 50 मिनट में स्टॉक के लिए, जिसका सक्सेस रेशियो हो 80 से 90%, इसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। इसमें एक और बात ये है फ्रेंड्स कि आपको मिनिमम 100 ट्रेड लेना है एक सेटअप पे। ये मेरा पहला सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूँ टोटली फ्री में, जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। चाहे आप एक स्टॉक लो, 10 स्टॉक लो, 50 स्टॉक लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आपको पैसा कमा सकते हो आप। ओके, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। चार्ट के अंदर भी मैंने ऐसे स्टॉक निकाला है प्रैक्टिकली जो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहली 15 मिनट के अंदर 3 से 4 कैंडल बननी चाहिए और 5वीं कैंडल या 4वीं कैंडल उसके हाई को ब्रेक करेगा, तब हमें इसको बाय करना है स्टॉक में। ये इंट्राडे के लिए है, इसका टारगेट रहेगा हमें 1 से 2% प्रॉफिट मिल सकता है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के लिए हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, और ये हमें स्मार्ट वर्क करना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ये क्या हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको अभी चार्ट के अंदर। इसके लिए पहले मैं इसको निकालना पड़ेगा, मुझे निकालता नहीं है, इसको मैं डाउन ही कर लेता हूँ मैं। ओके, निकालना ही पड़ेगा इसको मुझे, तो मैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ फ्रेंड्स। 15 महीने की कैंडल का सेटअप है हमारा ये पहला। इसी सेटअप के लिए बहुत सारे लोग फ्रेंड्स पेमेंट भी लेते हैं और मैं आपको इसको फ्री में दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग शेयर मार्केट में आए और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए पार्ट टाइम कुछ ना कुछ इनकम कमाए, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ गई है कि एक इनकम पे किसी का चलता है नहीं फ्रेंड्स। ओके, तो आइए देखते हैं। अब चार्ट के अंदर मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स, मैंने 3 स्टॉक निकाले हैं ऐसे। लास्ट फ्राइडे में मैंने चेक किया था, उसी स्टॉक को मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स। ये पहला स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर। देखो फ्रेंड्स, टाटा कंज्यूमर को 15 मिनट की कैंडल में आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये हो गया हमारा 9:15 बजे के पहली कैंडल, जिसका हाई मारा है 821.90 रुपये और उसका लो है 813 रुपीस, यानी 1% से भी कम की इसमें यहाँ पे पहली कैंडल बनी है, और उसके बाद 3 लगातार कैंडल इसके अंदर बनी हुई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये वाली। ओके, और उसके बाद 4वीं कैंडल उसने यहाँ पे ब्रेक किया, और जैसे ही ब्रेक किया आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना है, और उसका टारगेट
हम देखेंगे इसका हाई कितना था फ्रेंड्स, 821 यानी मोटा मोटा पकड़ के चलो 822 रुपीस, 822 से लेके आप यहाँ पे चेक करोगे उसका हाई मारा है यहाँ पे 835 रुपीस, यानी 1.5% के आसपास उसका रिटर्न मिला होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा टाटा कंसल्टेंसी का पहला एग्जाम्पल का स्टॉक। दूसरा स्टॉक मैंने आपको निकाला है SBI कार। SBI कार को भी आप चेक करोगे ना फ्रेंड्स, तो इसमें भी आपको पता चलेगा। मैं इसको निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स, उसका पहला 15 महीने का कैंडल हमें देखना है। फर्स्ट 15 महीने की कैंडल कौन सी है, ये वाली है 9:15 के 29 अप्रैल को, बराबर SBI कार्ड का। उसका हाई मारा है 846.95 पैसा और लो है 834.10 पैसा। तो उसने यहाँ पे आप चेक करोगे 12 बजे उसने यहाँ पे ब्रेक किया और 12 बजे के बाद की जो कैंडल बनी 12:15 का, उसका लो है फ्रेंड्स कितना है 827 रुपीस, और उसके बाद का ये इसका लो है 825 रुपीस, यानी यहाँ इसका लो कितना था 834 रुपीस। अगर आपने यहाँ पे 834 पे आपने बाय किया होगा पुट या सेल किया होगा, तो 834 से लेके आपको 824 रुपीस है ना इसका लो, 825 रुपीस, तो यहाँ पे भी आपको 9 से 10 पॉइंट आपको मिल गए होंगे। तो ये है हमारा, यहाँ पे आप डेट चेक करोगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 नंबर की कैंडल ने उसके लो को ब्रेक किया, 11 नंबर की कैंडल डाउन गई और 12 नंबर की कैंडल का लो बना 825 रुपीस। ओके फ्रेंड्स, तो आपको दिन में ऐसे स्टॉक निकाल के रखना है आपके पोर्टफोलियो में, वॉचलिस्ट में डेली 3 से 4 स्टॉक को निकाल के रखो 10:15 बजे, और उसके बाद आपको उसके ऊपर वॉच करके रखना पड़ेगा, और जैसे ही हमारा हाई या लो ब्रेक करेगा तो आप उसको बाय या सेल कर सकते हो, या फिर आप उसका स्टॉक का ऑप्शन भी आप इससे कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन प्रपोज से ही बनाता हूँ। ओके, अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा ज़रूर ले सकते हो। फ्रेंड्स, तीसरा स्टॉक मैंने निकाला है HDFC। आप यहाँ पे HDFC को भी आप चेक करोगे, ये देखो ये है 9:15 की कैंडल, फर्स्ट कैंडल जिसका लो था 2229 और उसका हाई था 2253, ये वाला। और उसके बाद कितनी कैंडल उसके अंदर बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात कैंडल बनी और आठवीं कैंडल ने उसके हाई को ब्रेक किया। उसके हाई कितना था 2253 रुपीस, 2253 रुपीस से लेके उसका हाई मारा मोटा मोटा 2275 रुपीस यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे चेक करोगे टॉप वाले कैंडल पे तो उसका हाई है 2283 रुपीस। तो आप प्राइस की रेंज आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो 30 रुपीस आपको मिल जाएगा एक स्टॉक के ऊपर। फ्रेंड्स, ये पहला सेटअप है मेरा जो मैं आपको फ्री में दिखा रहा हूँ खुशी के लिए। जैसे आपने 1000 व्यूअर्स मेरे कंप्लीट किए हैं उसकी खुशी में मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक फ्री में सेटअप दिखाने वाला हूँ, जो मैंने आपको ये आज बता दिया। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप ऐसे सेटअप पे 100% लोगे, और आप मुझे कॉमेंट में भी आप बताओगे कि आपका सक्सेस रेशियो कितना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे नए नए वीडियो बनाने में, नए नए आपके लिए सेटअप का वीडियो मैं आपको देता रहूँगा फ्री में, इसका कोई चार्जेस अभी नहीं है फ्रेंड्स। तो आप इसके ऊपर 100% लो, बाद में मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कितना सक्सेस होता है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।